तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे विजुलाइजेशन टेक्निक की, और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत से ग्रेट्स ने बोला है अपने मुंह से कि उनने विजुलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जो भी उनने अचीव किया उसके लिए। तो अभी एक हाल ही में एक विराट कोहली का इंटरव्यू आया था दिनेश कार्तिक के साथ, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो उसमें विराट कोहली ने भी मेंशन किया कि मैं विजुलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करता हूँ, कि जब भी मैं ग्राउंड पे जाता हूँ उससे पहले ही मैं अपने दिमाग में सोच के रखता हूँ कि मैं कैसे किस बॉलर को कैसे फेस करूंगा, किस बॉलर को मैं चौके मारूंगा, किस बॉलर को मैं छक्के मारूंगा। और उसने ये भी बताया कि जो एक बहुत पहले जब विराट कोहली का करियर स्टार्ट ही हुआ था क्रिकेट में, तो श्रीलंका के साथ एक सीरीज थी और उसमें लसित मलिंगा बॉल डाल रहा था, और उसमें विराट कोहली ने लंबे लंबे छक्के मारे थे लसित मलिंगा को। तो इस इंटरव्यू में विराट कोहली ने बताया कि वो मैंने पहले ही विजुलाइज कर रखा था अपने दिमाग में मैच शुरू होने से पहले कि मैं लसित मलिंगा जैसे बड़े बड़े बॉलरों को मैं छक्के मारूंगा, विजुलाइजेशन के यूज़ किया था। वैसे एक और जो खिलाड़ी हैं जो कहते हैं उनने विजुलाइजेशन का इस्तेमाल किया, वो माइकल फेल्प्स, जो कि ओलंपिक के मोस्ट डेकोरेटेड मेडलिस्ट माने जाते हैं, उनके पास बहुत सी मेडल है स्विमिंग के अंदर में। तो वो भी कहते हैं कि वो भी विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं कि स्विमिंग के उसमें उतरने से पहले वो विजुलाइज कर लेते हैं कि वो कैसे स्विमिंग करेंगे, कैसे जीतेंगे और कैसे वो सेलिब्रेट करेंगे। सारी चीज़ें वो पहले से विजुलाइज करके रखते हैं, और फिर उसको जब उनकी रेस होती है स्विमिंग की तो उसको बस एग्जीक्यूट कर देते हैं और वो फिर हो भी जाता है जैसे उन्होंने विजुलाइज किया। तो ये लोग जो हैं वो दिमाग में पहले जीत रहे हैं, उसके बाद असलियत में जीत रहे हैं। तो विजुलाइजेशन की टेक्निक यही है अगर मोटे मोटे हम बताएं, कि आपको पहले अपने दिमाग के अंदर जीतना है। अगर आप दिमाग के अंदर जीत जाओगे तो असलियत में जीतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अपने केस में बात करूँ तो मैं विजुलाइजेशन कैसे यूज़ करता हूँ, तो मैं अपना दिन विजुलाइज करता हूँ कि मेरा परफेक्ट दिन जो होगा वो कैसा होगा, मैं कितने बजे उठूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा। ठीक है, तो सारी चीज़ मैंने पहले ही विजुलाइज कर ली दिन शुरू होने के पहले, पिछले दिन। उसके बाद अगले दिन जब मैं उसको उठूंगा तो मैं उसको उस दिन को जीना आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये दिन मेरा कैसे जाएगा। तो ये मैं उसमें यूज़ करता हूँ। और एक बार जब मैंने यूज़ किया था, जब मैं अपने स्कूल में स्टेज पे गया था एक प्रोजेक्ट के लिए, द आउटडोर्स के लिए, जब मैं पास आउट हो गया था उसके बाद, तो उसके बाद मेरे को मौका मिला था और वो पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था खचाखच। तो उसमें 4-5 हज़ार लोग होंगे, बच्चे होंगे जो कि मुझे सुनने आए हुए थे। तो मेरे को पहले से पता था कि इतने लोग होंगे, तो मैंने पहले पिछले दिन ही विजुलाइज कर लिया था कि इतने लोगों से अगर बात होगी तो मैं किस तरीके से बात करूँगा और उनका रिएक्शन क्या होगा और मैं ऑडियंस पे कंट्रोल कैसे रखूँगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ये पहले विजुलाइज कर ली थी, और मेरे पास कोई पुराना ऐसे खास एक्सपीरियंस नहीं था इतनी सारी ऑडियंस को एक साथ बोलने का या स्पीच देने का या कुछ भी करने का, पर उस विजुलाइजेशन करने से मैंने मेंटली उसको पहले ही अचीव कर लिया। ठीक है, तो अगले दिन जब मैंने असलियत में किया तो वो मेरे लिए एक नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं दिमाग में पहले ही वो चीज़ चला चुका था। ठीक है, वो वाली सीडी पहले ही मेरे दिमाग में चल चुकी थी, तो मेरे को बस उसको एग्जीक्यूट करना था। वो वहाँ जाके एग्जीक्यूट कर, वो बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, और उसकी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी आई हैं जो कि मैं बहुत चेरिश करता हूँ, तो बहुत संभाल के रखता हूँ। तो आशा करता हूँ दोबारा कभी मौका मिले ऐसे स्टेज पे जाने का, पर जब भी मिलता है तो यही टेक्निक का मैं इस्तेमाल करता हूँ कि विजुलाइज कर लेता हूँ पहले से कि कैसे बोलूँगा, कैसे ऑडियंस का रिएक्शन कैसे रहेगा वो भी मैं पहले ही सोच लेता हूँ, और कैसे मैं ऑडियंस को कंट्रोल करूँगा, कहाँ पे क्या बोलूँगा, सारी चीज़ें विजुलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की बात रह जाती है बस फिर। ठीक है, तो विजुलाइजेशन की टेक्निक बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत से ग्रेट्स जो हैं वो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हमारे को मदद हुई है, हमारे लिए काम किया है विजुलाइजेशन ने। तो फिर आप भी अपने लिए देख सकते हैं कि जो भी फील्ड में आप हैं आप उसमें विजुलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कैसे उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो जो भी आपकी फील्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, उसके अंदर आप विजुलाइज करें, आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उसको विजुलाइज करें कि मेरे को ये चीज़ और ये मेरे को मिल गया। ठीक है, पहले आपको दिमाग में अचीव करना है, दिमाग में अगर एक बार अचीव कर लिया आपने तो उसको असलियत में अचीव करना आसान हो जाएगा। तो इसको करने की कोशिश करें और फ़ायदा हो तो ज़रूर बताना।